नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सरतुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की एक नई सोच डिजिटल न्यूज़ पोर्टल। आज हमारे सामने यह जो बहन एक विकलांग या दिव्यांग जो कहते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले मैं चाहता हूं कि आप इस दृश्य को देखें, उसके बाद मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा और आपसे शेयर करना चाहूँगा। आओ आप उंडाओ आप। आओ उंडा तुम उंडा। हाँ आओ 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 आ करा। एक बैंक में गए थे अपनी पेंशन लेने के लिए, जो कि सरकार का ये बहुत ही बड़ा एहसान है, 1200 रुपये प्रति माह। और आप देख सकते हैं बैंक तक जाने का जो रास्ता है कितना कठिन, कितना दुर्लभ और कितना गंदगी से भरा पड़ा है। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अपने घर का कूड़ा करकट, कहाँ सड़कों में न फोड़ें, कील रोड़े पत्थर सड़का बंदा फेंकें कम से कम, ताकि इनको जो है एक इस अवस्था में भी चलने का मौका मिले। और अब मैं इनसे कुछ पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि इनकी समस्या क्या है। इन्होंने मुझे खुद कहा है कि आप थोड़ा हमारी वीडियो बना दीजिए और हमारी जो समस्या दिखाइए, सरकार तक पहुँचाइए। और बैठ, अब तुम बैठ जा। अच्छा, अब तो सबसे पहले आप अपना नाम बता। आप बिमला। और गांव का क्या आपको, मतलब आप हमारे गांव का चन, लेकिन डिब्बा छठी में पढ़ो ना। अच्छा बता, आप आपने बोल जान टेरी विकलांग सर्टिफिकेट बनो, अभी तो तुम्हारा विकलांग सर्टिफिकेट बनी नहीं क्या? बनी नहीं। और तुम्हारी बहन है जो तुम बन लगे? हाँ, वो बहनी का बनाता ना। अच्छा तुम्हारा बनी हुआ? अच्छा बहन का बनाना है आपने, तो कल बुला रखे आपको? बुधवार क्या बोले, लौंडा लाना? कोई पर्चा पर्चा बनाना। क्या वो पर्चा नहीं, खुद नहीं बनाते क्या? पर्चा बल नहीं बनाते, बल कोई दगड़न साथ में ले आना लड़का। तो कौन है आपके साथ में जो साथ जाए, कोई है? कौन है, कोई दुकानदार कोई नहीं है? कोई नहीं। चलो मैं कुछ कोशिश करूँगा कि कहते बोलूँ मैं ना कि तुम्हारा दगड़ जा लूँ। पहले तो मैं खुद कोशिश कर लूँ। मैं जा रही हूँ पूछूँगा कि वो बोलना मकसद क्या चाह कि लौंडे को साथ लाना, मतलब किसी साथ लाने मतलब क्या, एक विकलांग करके साथ लाने वाले। तुम्हारे घर में और कौन कौन है, भाई बहन माँ? माँ पिताजी गुजर गया। हाँ तो बहनी है, भाई भी हरिद्वार में रहते, भाई कह रहे थे कोई नहीं, मतलब कोई आपकी मदद नहीं करता? कोई नहीं करता। ग्राम प्रधान से बोला आपने साथ चलने के लिए, किसी ऐसे कुछ बोला? प्रधान तो कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूँ सभी ग्राम प्रधान जो हैं ऐसी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएं। अब आप बताइए 1200 प्रति माह मिलेगा और टीरी इनको जाना पड़ता है, तो गाड़ी बुक करनी पड़ती है, कितना पैसा लगता है गाड़ी बुक करने का? 1500 जाने के। अब 1500 आने के। चलो ये वीडियो में बनाऊँ तुम्हारी, इसको जो है पहुँचाएंगे सरकार तक, ठीक है? आप चलने फिरने में आप असमर्थ हैं, ये देखो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपने हाथ खोटा दी टिकी चला सड़क चौधान, ठीक है फिर आए। ये देखिए जनाब, ये सामने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप देख सकते हैं बैंक तक जो पहुंचने का रास्ता है चारों तरफ, आप देख सकते हैं आने जाने कोई रास्ता नहीं है, गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर, और ये पानी धारा बह रही है और गंदगी आपने देख ली है। अब इसके लिए खाली सरकार तो जिम्मेवार नहीं है, ये कुछ जिम्मेवारी हमारी बनती है। देख सकते हैं आप, छोटा सा रास्ता, कोई बैंक में आएगा तो कैसे आएगा, और एक विकलांग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बेचारी जुराब हाथों में है, पाँव में जुराब है, अगर वो गिर जाएंगे तो कैसे घर तक पहुँचेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश पर आप गौर करें और इस समस्या को सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि ऐसे लोगों को जो है, मेरा तो सरकार के लिए संदेश है कि सरकार जो है ऐसे लोगों के लिए जो भत्ता देती है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये लोग अपना गुजारा ढंग से कर सकें। अब आप बताइए 1200 रुपये में प्रति माह में क्या होगा, जब आप गाँव से जाकर इधर आते हो तो कितना किराया लगता है? 80 रुपये, यानी 100 रुपये मांग के चलो आप। रुपये मैंने दो बार आना पड़ता होगा सामान सामान लेने, कितने बार आते जाकर इधर? चलो ठीक है फिर आए। तो साथियों इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें कि सरकार को इस पर जो है
कुछ सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। धन्यवाद।